प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न वाले 14.1 कक्षा 10th गणित। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें आपको माध्य ज्ञात करना पड़ेगा और क्वेश्चन में दे रखी है दिनों की संख्या और नीचे दे रखी है विद्यार्थियों की संख्या, इन्हें हम F मान लेंगे और ये आपका हो जाएगा वर्ग अंतराल। इस क्वेश्चन को हम प्रत्यक्ष विधि से सोल्व करेंगे और क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको उतारेंगे। इस क्वेश्चन में दे रखा है दिनों की संख्या और स्टार्ट है इसमें 0 से लेकर 6, फिर 6 से लेकर आगे 10 तक है और फिर आगे 10 से लेकर आपके 14 तक, 14 से 20 तक है, फिर 20 से 28 है, 28 से 38, 38 से 40 तक है। और इधर दे रखी है विद्यार्थियों की संख्या, इसको उतार लेंगे। इसमें दे रखा है पहले 11 है, फिर 10 है, फिर 7, फिर 4, आगे 4 है, फिर 3 दे रखा है, फिर 1, और यहाँ पर लिखेंगे योग। ये आपका हो जाएगा ऐप का मान। हम यहाँ लिखेंगे सिग्मा ऐप, इन सभी को जोड़ेंगे, यानी 1 और 7 कितना होता है 8, 8 और 4 12 और 12 और 4 16, 3 19, 19 और 1 20, हासिल के 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, यानी सिग्मा ऐप का मान कितना आ गया 40। अब ज्ञात करेंगे मध्य मान अर्थात एक्स का मान ज्ञात करते हैं। आपको पता है एक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे फिर 2 का भाग देंगे। इसमें दे रखा है इधर 0, इधर दे रखा है 6, इन दोनों को जोड़ने पर हमें 6 प्राप्त होते हैं, भाग देते हैं 2 का तो कितना जाएगा 3। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे फिर 2 का भाग देंगे, और इधर दे रखा है 6, इधर दे रखा है 10, तो कितने हो गए जोड़ने पर 16, और भाग देंगे 2 का तो हमें प्राप्त होंगे 8। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 24 प्राप्त होते हैं, भाग देंगे 2 का तो कितना जाएगा 12। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे, इधर दे रखा है 20, इधर दे रखा है 14, तो कितना हो जाएगा 34, तो भाग देंगे 2 का कितना जाएगा 17। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ो, यानी 20 28 दे रखा है तो कितने हो गए 48, और 2 का भाग देंगे तो कितना जाएगा 24। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 28 और 38 कितने हो गए 66, और भाग देंगे 2 का तो कितना जाएगा 33। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 38 और 40 कितने होते हैं 78, 78 में 2 का भाग देते हैं तो कितना प्राप्त होगा हमें 39। अब ज्ञात करेंगे एफ एक्स, यानी एफ इंटू एक्स करेंगे तो हमें एफ एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा। इधर 11 दे रखा है, इधर 3 दे रखा है, यानी 11 इंटू 3 करते हैं 33 आ जाएगा। अब करेंगे 8 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा 80, करेंगे 7 इंटू 12 तो हमें कितने प्राप्त होते हैं 84, अब करेंगे 17 इंटू 4 तो हमें 68 प्राप्त होते हैं, ये 4 इंटू 24 तो कितना हो जाएगा 24 इंटू 4 करने पर 96, अब करेंगे 3 इंटू 33 तो हमें 99 प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार 1 इंटू 39 करते हैं हमें 39 प्राप्त हो जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स का मान कैसे ज्ञात करते हैं, इन सभी को जोड़ेंगे तो हमें सिग्मा एफ एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा। कि 3 और 4 7 होता है, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30, 30 और 9 कितने हो गए 39, हासिल के 3, 3 और 3 6, 6 और 8 हो गए 14, 14 और 8 22, 22 और 6 28, 28 और 9 37, 37 और 9 हो गए 46, 46 और 3 हो गए 49। इस प्रकार सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आ गया 499। इस क्वेश्चन में आपसे माध्य पूछ रहा है और माध्य ज्ञात करने का सूत्र सभी को पता है, एक्स बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यानी एक्स का मान ज्ञात करेंगे और सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 499 और सिग्मा एफ का मान कितना है 40। अब भाग देंगे इस 40 का 499 में तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 12.48। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा 12.48 दिन। अब क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में साक्षरता दर प्रतिशत में दे रखी है और नीचे नगरों की संख्या दे रखी है। इस क्वेश्चन को प्रत्यक्ष विधि से सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। इधर आ जाएगी साक्षरता दर प्रतिशत में, इधर नगरों की संख्या आ जाएगी, इधर मध्य मान ज्ञात करेंगे, फिर एफ एक्स का मान ज्ञात करेंगे। इसमें उतारेंगे साक्षरता दर जो क्वेश्चन में दे रखी है, इसमें दे रखी है, यहाँ करेंगे पहले 45 से 55, फिर 55 से 65, आगे 65 से 75 तक दे रखी है, फिर 75 से 85, फिर लास्ट में 85 से 95 तक, और यहाँ पर लिखेंगे योग। अब यहाँ उतारेंगे नगरों की संख्या, यानी ऐप का मान, इसमें दे रखा है 3, फिर 10, आगे दे रखा है 11, 8 और 3, और यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ। अब इनको जोड़ेंगे 3 और 1 4, 4 8 12, 12 और 3 होते हैं 15, हासिल के 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, यानी सिग्मा एफ का मान कितना हो गया 35।
अब ज्ञात करेंगे मध्यमान, और मध्यमान यानी अक्स का मान कैसे ज्ञात करते हैं सभी को पता है, इन दोनों को जोड़ते हैं फिर दो का भाग देते हैं। इधर दे रखा है 45 और यहाँ पर 55, यानी इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें 100 प्राप्त होते हैं, और 100 में दो का भाग देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएंगे 50। अब इसमें एक चीज़ नोटिस करो, इनमें सभी में अंतर 10 का आ रहा है, यानी हम इसमें 10 जोड़ सकते हैं, यानी 50, फिर आ जाएगा 60, आगे आ जाएगा 70, 80 और फिर 90। आप इसको चेक भी कर सकते हो, पहले इन दोनों को जोड़ो, इसमें दे रखा है 85 और इधर 95 है, यानी टोटल कितने हो गए 180, और 180 में दो का भाग देते हैं तो कितने प्राप्त होते हैं 90। इस प्रकार हमारा मध्यमान पूरा सही है। अब ज्ञात करेंगे एफ एक्स, एफ एक्स का मतलब होता है एफ इंटू एक्स करेंगे, यानी 3 × 50 करते हैं तो कितना आ जाएगा 150। अब करेंगे 60 × 10 तो कितना प्राप्त होगा 600। 70 × 11 करते हैं तो हमें प्राप्त होंगे 770। अब करेंगे 8 × 80, 8 × 64, 7 में आ जाएगी 10। अब करेंगे 3 × 90 तो कितना हो जाएगा 270। और यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स, अब इन सभी को जोड़ेंगे, यानी इसमें आ जाएगा यहाँ पर 0, फिर दे रखा है 5 × 7 = 12, 12 × 4 = 16, और 7 कितने होते हैं 23। हासिल के 2 × 2 = 3, 3 × 6 = 9, 9 × 7 = 16, 16 × 6 = 22, और 22 × 2 कितने होते हैं 24। इस प्रकार सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया 2430। और हम ज्ञात करेंगे माध्य, और माध्य ज्ञात करने का सूत्र सभी को पता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। इसमें सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 2430, और किसका भाग देंगे सिग्मा एफ, यानी 35 का भाग देंगे। अब भाग देंगे 2430 में 35 का तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा 69.43। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व होता है।